तो भाई साहब क्रेन से कैसे माँ काली मूर्ति कला केंद्र एक मूर्ति को ट्रक पे रखा जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया। ये देखो भाई साहब, मतलब इतने स्मार्ट है ना। डोली के रूप में बनाया गया कंधे देते हुए और बीच में विराजमान है प्यारे से क्यूट से गणेश जी। ये अपना अजगर बोल सकते हो, स्नेक। सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, क्योंकि आज है 30 अगस्त और 31 अगस्त को जाहिर सी बात है कि पूजा है, गणेश चतुर्थी है, तो उस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब देखो, बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि माना में अरविंद घोष का मूर्ति बनाई है, त्रिमूर्ति कला का मूर्ति बनाई है, कृष्ण मूर्ति कला है, वहाँ का हमें ब्लॉग दिखाई। तो अभी देखो 30 तारीख हो गया, यानी कि लास्ट डे आ गया। आज जितने मूर्ति मतलब समिति लोग हैं आज अपना मूर्ति सब लेकर चले जाएंगे, कल पूजा ही है। और एक ब्लॉग मैं आज शूट करूंगा, कल उसको अपलोड करूंगा, और कल के बाद से गणेश मूर्ति का ब्लॉग बनाने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूजा तो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए माना के ऊपर, और इसमें जितने भी मूर्तिकार हैं सभी लोगों का ए टू जेड आप लोगों को दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में। अब ए टू जेड से मेरा बोलने से मतलब ये है कि वो इन्हीं लोग का दिखा पाऊंगा जो हमें ब्लॉग बनाने के लिए अलाउ करते हैं, राइट। कुछ लोग अलाउ नहीं करते तो उनको हम स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पहले ही बता दूँ, जैसे एज यूजल मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसमें एडिटिंग पर काफ़ी ध्यान देता हूँ, म्यूजिक डालता हूँ, ट्रांजेक्शन डालता हूँ, उसमें समय लगता है। और मेरे पास समय आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मतलब बहुत से जगह से इन्विटेशन भी आया है कि रायपुर सर में गणपति जी का आगमन है, तो आप यहाँ आइएगा, आप यहाँ आइएगा, भैया यहाँ आओ, वहाँ आओ, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की। तो समय आज बहुत कम है, और इसी दिन इस व्लॉग को ही मैं शूट करूँ, एडिट भी इसको आज ही करना है। तो बोलने का मतलब मेरा ये था कि एडिटिंग पे कम ध्यान देंगे, आप लोगों को 2-2 मिनट का हर मूर्तिकला का वीडियो दिखाते जाएंगे, आप लोगों को मूर्ति कैसा मतलब कहाँ का कैसा बना है वो आप लोग पूरी तरीके से देख लोगे। बाकी प्राइस बुकिंग अब बताने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आज ये लास्ट डे हो गए। प्राइस और बुकिंग के लिए मैं पहले ही बहुत सारा ब्लॉग बना चुका हूँ, जिसको आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ जहाँ बोर्ड मुझे मिल जाएगा ना नंबर आप लोग को दिखा दूँगा। तो ये देख लो भाई साहब, मूर्तिकार अरविंद घोष, और नंबर यहाँ नोट किया हुआ है, तो आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। बाकी 2 मिनट का शूट करेंगे, ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, क्योंकि आज देखो लाइव इधर भैया लोग आए हैं और मूर्ति अपना लेकर भी जा रहे हैं। तो आज कुल मिला के लास्ट डे है, इसलिए आप लोगों को पूरा मूर्ति कला में जितना भी मूर्ति है ना सबको फटाफट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, और मूर्तियों का खाना बोलते हैं इसे, मारा में बहुत बड़ा मतलब मूर्ति का खाना है। और इधर इस समय तो मतलब पता नहीं क्यों गणेश मूर्ति थोड़ा कम बनाया गया, बट फिर भी जितना बनाया गया ये देखो भाई साहब। तो ये मूर्ति की हाइट की बात की जाए तो मेरा हाइट आएगा आपका यहाँ तक आ जाएगा मान लो। तो इस मूर्ति का हाइट कितना होगा भैया? हाइट मूर्ति का 12 फीट होगा। तो ये देखो भाई साहब 12 फीट का मूर्ति, अरे कंप्लीट पूरा फाइनल पेंटेड हो चुका है ना, पूरा कम ले जाने के लिए रेडी है मतलब। तो स्वान है मेरे ख्याल से हंस, और हंस पे विराजमान है, स्वान है या कोई क्या है स्वान का, लेकिन पंख थोड़ा अलग होता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी देखो भाई साहब, ये जो जितना देख रहे हो ना ये सब के सब कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा पूरा पहनाया गया सितारों वाला, तो काफ़ी गजब काफ़ी मस्त दिख रहा है। और कलाकारी देखो, स्टोन का काम देखो, एकदम परफेक्ट तरीके से मस्त बनाया गया। एक यहाँ है, यहाँ भी, यहाँ ज़्यादातर मूर्ति मतलब चिड़िया पे ही बिठाया गया, यहाँ भी देखो यहाँ भी चिड़िया ही है। तो ऐसा है कुछ पूरा अरविंद घोष मूर्ति कला का सीन बताऊँ तो, ये देखो गणेश जी विराजमान है शंकर जी के पीठ पे, मतलब बाल गणेश के रूप में बनाया गया है। तो ठीक है, यही बस कुल मिला के 10 मूर्ति होंगे, 10 से ज़्यादा होगा, मतलब 10 से 15 इतना ही मूर्ति है, ज़्यादा नहीं है। 4-5 आपको इधर दिखाया, 4-5 उधर पहले दिखाया था, और कुछ मूर्ति आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, जो कि ये देखो सजावट का काम मतलब बढ़िया तरीके से चलता है। ये सब पूरा स्टोन है, स्टोन हो गया, सितारा हो गया, और यहाँ के देखो कलाकारी भाई सब, देखने में जो मूर्ति है ना पूरा मनमोहक लग रहा है, तो बढ़िया है। और यहाँ 2 मूर्ति आप लोगों को और बनाया गया है। तो गाइस फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाया यहाँ का अरविंद घोष का, उसके बाद अभी नेक्स्ट आ गया हूँ न्यू माँ काली मूर्ति कला केंद्र में। यहाँ देखो बहुत पहले से लोग क्वेरी कर रहे थे वीडियो बना, लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, आज लास्ट डे है तो आज अलाउ हो गया है। और मेरे सामने देखो कुछ भैया लोग मिले, तो आप लोग कहाँ से आए हो? बड़ौदा से। कौन सा गणेश मूर्ति है? ये वाला है ना। तो भैया लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि मेरे मूर्ति को दिखाना, तो अभी आप लोग का वीडियो में आएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो ये भैया लोग का बुक किए थे, कितने बुक किए थे? 15,000 में ना। लेके कब जाओगे? शाम को लेकर जाओगे? अभी जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अभी ऐसा था कि बहुत से लोगों को क्वेरी थे कि न्यू मूर्ति कला में जाओ वहाँ का दिखाओ, तो अभी जस्ट अलाउ मतलब मिला है कि आप बना सकते हो। दिक्कत ये होता है कि पहले ब्लॉग बनाने से ना जो यहाँ का कलर है जो भी है वो लोग मतलब कॉपी कर लेते हैं, सुनने में आए। तो चलो खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप लोगों को फटाफट गणेश मूर्ति दिखाते हैं न्यू काली मूर्ति कला में कितना सारा है। तो ये लाइन में देख लो भाई साहब, ये सब आपका 3.5-4 फीट के अराउंड में है। और प्राइस वाइज को पूछोगे तो प्राइस मैं नहीं रिवील करूंगा, क्योंकि अभी जो यहाँ के ऑनर है वो अपने मूर्ति भिजवाने में बिजी है, और मैं सभी गणेश मूर्ति का ब्लॉग बन भेजूँ, तो प्राइस वाइज के लिए आप लोग नेक्स्ट टाइम कभी बोलना, वो डिटेल में ब्लॉग बन जाएगा।
तो ये देख लो भाई साहब, यहाँ भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है। और यहाँ आप लोग को इस पर फोकस दिलाना चाहूँगा, जितना देख रहे हो ना, ये कपड़ा नहीं है, बिल्कुल कपड़ा नहीं है, सब पेंट है। तो पेंट को इतना मतलब बढ़िया तरीके से किया गया कि कपड़ा की तरह दिख रहा है। और यहाँ तो मतलब पहले व्लॉग बनाने देते तो मैं पहले पूरा डिटेल आप लोग को दे देता, बुकिंग क्या है, क्या प्राइस चल रहा है, लेकिन दिए नहीं। खैर कोई नहीं, आप लोग लास्ट में मूर्ति देखो और खुश हो जाओ। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब मैं आ रहा था ना, और बहुत पहले से आ रहा हूँ, ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, अलाउ नहीं है करके, बहुत पहले से था, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। और बाकी यहाँ देखो भाई साहब, अभी काम था, मतलब फाइनल टच दिया जा रहा है। हाँ गुप्त ठीक, अरे जानते क्या सर, ओडिशा से। अरे बहुत बढ़िया, तो कैसे लगता है ब्लॉग सर? अभी देखो सर मिले हैं और मेरे को पहचान भी गए, गोप्रो ठीक हो गया। क्या नाम है सर आपका? शुभ नाम अभिषेक। तो यहाँ मूर्ति ले जाने के लिए मतलब दीप कला, अच्छा दीप कला में सर, हाँ वहाँ के वीडियो बनाया था। चलिए थैंक यू, तो बढ़िया है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो भी बड़ा बड़ा मूर्ति है ना, वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, इसका हाइट नहीं भी होगा तो यार 13 फीट के अराउंड में होगा। और जितना बड़ा गणेश जी है उनसे बड़ा तो ये नाग को बनाए गए हैं। क्या गजब नाग बनाए भाई साहब, ऐसा नाग मैं पहले कभी नहीं देखा। नाग में मतलब हाथ निकाल देना भी एक अलग कलाकार है। एक में खुद का पूछ पकड़े हुए हैं और एक में देखो गणेश जी के ऊपर ऐसा कुछ डिजाइन बनाया उसको पकड़े हुए हैं एकदम से। मतलब एक होता है ना रूम, रूम की तरह बना दिया गया दोनों तरफ। और दोनों तरफ देखो यहाँ क्या भयंकर डोली से जैसे उठाते हैं ना, डोली एकदम डोली के रूप में बनाया गया है, कंधे देते हुए। और बीच में विराजमान है प्यारे से क्यूट से गणेश जी, जबरदस्त भाई सब डिजाइनिंग देखो यार। और इसी कारण था मेरे ख्याल से कि वो बनाने नहीं दे रहे थे ब्लॉग, क्योंकि कोई कॉपी ना कर ले, क्या यहाँ का जो कलाकारी है ना नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। ये देखो इतना डिटेल में कलाकारी तो यार मैं वाकई कहीं नहीं देखा। ये कहाँ का मूर्ति होगा मुझे नहीं पता, सबसे बेहतरीन ये दिख रहा है यार। आप लोगों में थोड़ा सा पीछे आके ना पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ। ये देखो यार जबरदस्त मूर्ति है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि एकदम राजा महाराजा। और नीचे मतलब ये रथ है कुल मिला के देखो ना, जितना देख रहे छोटा छोटा ये सब घोड़ा है, रथ को खींचते हुए दिखाया गया। ये पूरा रथ का डिजाइन है, नीचे देखो ये वाला चक्का भी है। तो इधर में आप लोगों को कुछ इस प्रकार का मूर्ति देखने को मिलेगा। यहाँ देखो राधा कृष्ण के रूप में क्या गजब का झूला उला बना दिए। तो ये था गाइस अपना न्यू माँ काली मूर्ति कला केंद्र का पूरा वीडियो। अभी यहाँ से निकलते दूसरी मूर्ति कला में और वहाँ का भी दिखाता हूँ। बाहर का माहौल बताऊँ, बाहर का मतलब सीन बताऊँ, तो देखो एक नहीं तीन तीन चार चार किराने यहाँ आके फिलहाल लगाए गए, सबके सब लोग आए अपना मूर्ति लेके जाने के लिए। ये देखो भाई साहब तो आप लोगों को बताऊं, जब मैं यहाँ आया था लास्ट व्लॉग बनाने के लिए ना, तो पूरा इधर 12 फीट 11 फीट 13 फीट का मूर्ति रखा हुआ था, लेकिन अभी पूरा पेंट हो गया है और आधा मूर्ति तो पूरी तरह से खाली हो गया, निकले के चले गए लोग लेके जाने वाले। तो ये अपना माँ काली मूर्ति कला केंद्र का पूरा ओवरव्यू। मोरया, एक दो तीन चार, गणेश जी की जय जयकार, गणपति बप्पा मोरया। ये देखो भाई साहब मूर्ति का पूरा कलर देखो। अरे आपको कैसे पता, देखते हो क्या? अरे बहुत बढ़िया, कहाँ से हो आप? हम रायपुर से। अच्छा रायपुर से। चंदन भाई को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले सब्सक्राइब करो फिर लाइक करो। लेकिन एक बार बोलो गणेश जी की जय। ये कलर अपना, हाँ हाँ यही वाला है। ये देखो भाई साहब मेरा ही वीडियो मेरे को ही दिखा रहे भाई का यूट्यूब है, लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, शेयर करो। हाँ चलो, ये जो देख रहे हो पूरा मूर्ति है सब माँ काली मूर्ति कला के बाहर वाला है। बाहर भी मतलब तीन मूर्ति है, जबरदस्त जबरदस्त। टेबल के अंदर घुसना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को दिखाऊँ तो वो देखो वो मूर्ति का बाल है ना काफी होने का। तो ये देखो भाई साहब मतलब इतने स्मार्ट है ना, यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि चंदन धीरे से आए और पूछे चंदन ब्लॉक है यार कैसे। पिथौरागढ़ ब्लॉक बहुत मतलब पहले से भैया को जानता हूँ, कैसे ब्लॉक कर रहे हैं? नहीं मूर्ति भी लेने आया हूँ साथ में। हाँ साथ में, बढ़िया बढ़िया। उधर आगे मूर्ति है, अच्छा सामने वाला है, लास्ट वाला है, लास्ट वाला है। ये देखो भाई साहब क्रेन से कैसे माँ काली मूर्ति कला केंद्र एक मूर्ति को ट्रक पर रखा जा रहा है। अब इससे भी जो बड़े बड़े हैवी हैवी मूर्ति होते होंगे ना उसको लेके जाने में तो और दिक्कत होगा। देख रहे हो कैसे एक आदमी चढ़ा है ऊपर और क्रेन के सहायता से मूर्ति को रखा जा रहा है। तो देखो भाई साहब ब्लॉग और यूट्यूब का यही फायदा होता है ना कि ब्लॉग के जरिए बहुत दूर दूर के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी मेरे मतलब एक भाई साहब मिले, तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओ भैया। हेलो, माय नेम इज धीरज मंगल और मैं बिलासपुर से हूँ। मूर्ति लेने सूती मूर्ति का स्टोरी बताओ, कैसे मतलब सूती मूर्ति कला में गए? चंदन भी आपका ब्लॉग देखता था मैं रोज, तो हम लोग सोचे क्यों ना नेक्स्ट इस बार जो है हम लोग मूर्ति रायपुर से लाते हैं,
पहले कहाँ से बुक करते थे? पहले हम लोग लोकल मतलब लोकल बुक करते थे। देखो ब्लॉग के माध्यम से भैया बिलासपुर से हैं रायपुर, और रायपुर में श्रुति मूर्ति कला केंद्र घूमे पूरा होंगे, जहाँ बेस्ट लगा होगा वहीं बेस्ट लगा था, वहीं गए हम लोग। चलो बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। ऐसे ब्लॉग देखा रहा, ठीक है, चलो थैंक यू। तो अभी निकलते हैं, आप लोगों को दूसरा तीसरा मूर्तिकला दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग अभी पहचान रहे, तो अच्छी बात लग रहा है। यहाँ लगभग माना में मतलब 60% लोग पहचान गए, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, पहचान मिल रही है, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट मूर्तिकला में, वहाँ दिखाते हैं वहाँ क्या सीन है अभी। और ये पूरा कृष्णा मूर्तिकला केंद्र का ओवरऑल पूरा वीडियो। और ये मैम दुकान आप ही का है ना, वो जो बात की आपके लड़का है ना, तो देखो सर का मतलब रिक्वेस्ट था कि आंटी जी को देना। तो कैसे हैं, बढ़िया है, तबीयत ठीक है? ठीक है। चलिए तो ये देखो भाई साहब, ये सब 5 फीट वाला मूर्ति है। और ये देखो, ये मतलब किसी मूर्ति का सेट होगा, ये वाला आई थिंक ये तीनों मूर्ति का सेट है। और इसका कलर की बात करो, कलर कॉम्बिनेशन ही पूरा डिफरेंट है, ग्रे कलर में है। तो एक रो उधर था और दूसरा रो आपका हमारा ही है, यहाँ का नहीं, चल दो मेरे पापा। तो ये अपने भाई लोग हैं और इन दिखाने का रिक्वेस्ट है। अरे यार क्या गजब मूर्ति है यार, कहाँ बिठाओगे इसको? काली बाड़ी ना, जहाज ले ही जाएगा। अरे वहाँ का ब्लॉग बनाना है यार, ब्लॉग बनाना, आइए ना आप। तो ये देखो भाई साहब, काली बाड़ी में बॉस जाने ही वाला हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग मतलब एक बार गणेश जी के जयकारा लगा दे। चलो तो माना मेन रोड की बात करो, देखो गणेश मूर्ति लोग लेकर जा रहे हैं अभी, तो आज पूरा मूर्ति का सिलसिला चालू रहेगा और लोग आएंगे लेकर जाएंगे, बढ़िया जबरदस्त। तो आप लोगों को बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि त्रिमूर्ति कला जाओ, त्रिमूर्ति कला केंद्र जाओ, तो लो भाई आज लास्ट में आ गए हूँ। एक बार पहले आया था लेकिन उस समय यहाँ मतलब अलाउड नहीं था कि मूर्ति कंप्लीट बना नहीं था, तो मना किया था, अभी फिलहाल अलाउड है। बाहर का मूर्ति कुछ ऐसा है। तो ये है गाइज अपना त्रिमूर्ति कला केंद्र, और यहाँ की मूर्ति की डिजाइन की बात करूँ यार, तो एक एक जितना डिटेल दिखेगा ना, इतना ज़बरदस्त दिखेगा। मतलब ये देखो शंकर जी में अपना एक गणेश जी का फेस निकाला गया है, और कलाकारी देखो भाई साहब, एक एक डिटेल को देखो, टेक्सचर को देखो, नीचे भी देखोगे ना बिच्छू को देखो, यहाँ बनाए गए लिजार्ड है मेरे ख्याल से, ज़बरदस्त बनाए गए यहाँ का मूर्ति। इनका नाम मैं बहुत पहले सुना था कि जितना मूर्ति बनाते हैं ना मतलब ज़बरदस्त बनाते हैं, डिटेल के साथ बनाते हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ पूरा दिखाई देगा। यहाँ का देखो पेंटिंग भी देखोगे ना तो लाजवाब है पूरा। देखो पीछे मोर का पंख, वो रियल का मोर का पंख है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो रियल का है। तो अगर महीन काम करवाना हो, पूरा डिटेल में ब्लॉग डिटेल में पूरा मूर्ति बनवाना हो, तो एक बार आप त्रिमूर्ति कला केंद्र आ सकते हो। एक भी मूर्ति आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जो भी मूर्ति गए बनाए गए ना परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। इधर देखो ये सब अपना 4.5 फीट 5 फीट वाला सब मूर्ति है, और कलर भाई साहब देखो प्योर मट्टी में कलर लगाया गया ना, उसके बाद भी जो खिल के है मूर्ति ज़बरदस्त। तो अपने चौथे लोकेशन पे आया हूँ जो कि है श्री साई मूर्ति कला केंद्र का। रोड का सीन यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव कर दे रहा हूँ, तो भाई सब चारों तरफ लोग गाड़ियाँ ही गाड़ी देखने को मिलेगा, जितने भी लोग हैं ना सबके सब मूर्ति बुक करने के लिए बुक तो पहले से कर चुके हैं, ले के जाने के लिए पहुँच चुके हैं। जैसे कि यहाँ देखो भाई लोग पूरा कई सारे गाड़ियाँ लगा हुआ है, और यहाँ समय तो बहुत कम है, तो आप लोगों को चाहूँगा कि फटाफट सब दिखा दूँ। तो ये रहा बोर्ड श्री साई मूर्ति कला केंद्र का, नंबर आप लोग को थोड़ा बहुत दिख पाए तो नोट कर लीजिएगा। अब मैं नंबर पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मूर्ति दिखाने पर फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट में आप लोग कुछ इस प्रकार का मूर्ति देखने को मिलेगा। ऐसा कलर देखो भाई साहब, कलर सबसे यूनिक है आपका, पिंक कलर में मूर्ति अभी तक किसी को नहीं देखा पिंक कलर में। और बाद में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ भी देखो नीचे एक माता विराजमान है, और ऊपर आपको गणेश जी ऊपर ज़बरदस्त। और यहाँ देखो जो मूर्ति बच्चा हुआ है वो आप लोगों को फटाफट दिखा दे चलूँगा, ये पूरे लाइन में बड़ा बड़ा मूर्ति भरा पड़ा था, सब की सब मूर्ति निकल गया। यहाँ आपका 2-3 मूर्ति और है बड़े बड़ी में, जिसका हाइट की बात करें तो 8 फीट के अराउंड होगा, तो सभी मूर्ति 8 फीट 9 फीट के हाइट का होगा। यहाँ आपको 2-3 मूर्ति है बड़ा बड़ा वाला, और ये सब का तो वीडियो में पहले भी बनाया था, ज़बरदस्त। तो ये जो स्टोर देख रहे हो ये है अपना छोटी मूर्तियों का मतलब पूरा स्टोर बोल लो श्री साई मूर्ति कला केंद्र का। और यहाँ जितना मूर्ति देखोगे 5 फीट 5.5 फीट 4 फीट 3 फीट ऐसे देखने को मिलेगा, जितना कोई जो टैग देख रहे हो ना जिस मूर्ति के ऊपर लग गया वो ऑलरेडी पहले से ही बुकड है। तो ये अपना छठवा लोकेशन है ओम जय मूर्ति कला केंद्र में, 5 आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहाँ का ही बताओ तो वीडियो तो मैं बनाया था लेकिन उसमें पूरा पेंट कम्प्लीटली नहीं हुआ था। तो भैया है मूर्तिकार, खाली वाली है कि नहीं मूर्ति आपके पास? खाली है। खाली है, कितना हाइट वाला खाली है? 7 फीट 8 फीट। कितना मूर्ति? 4 मूर्ति। कितना हाइट होगा इनका मूर्ति का? 13 फीट। प्राइस? 80,000। आप लोगों को दिखाया था जब ब्लॉग बनाया था तो ये उस समय मूर्ति बाहर था, तो भगवान श्री राम के तौर पर पूरा A to Z उनके कॉपी किया गया ना, भगवान श्री राम जैसे धनुष को भी पकड़ाया गया है, ये भी बुक डाल रखा है ना, ऑर्डर में बना है ना। चलिए
ये मूर्ति का कपड़ा देखो भाई, छत्रपति शिवाजी के तौर पे मेरे ख्याल से बनाए गए, ये छत्रपति शिवाजी के तौर पे बनाए गए हैं। देखो कपड़ा भी जबरदस्त बनाया गया उन्हीं के तरह। देखो छोटा वाला, ये सब खाली वाला है क्या? नहीं, ये सब बुक वाला है ना, ये वाला। हाँ ये देखो भाई साहब, ये हुई ना मूर्ति का मतलब, ये भी जबरदस्त है। और इसका कपड़े का कलर यार जबरदस्त है, वेलवेट का कपड़ा है ना, और पूरा छत्रपति शिवाजी के रूप में इनको भी दर्शाया गया जबरदस्त। ये एनिमल कौन सा है? चिगैया। बैला। बैला, तो बैला में शरीर कहाँ से आता है? ऊपर से वो डिजाइन में, डिजाइन तो बैल है, लेकिन पहला बार सुन रहा हूँ कि बैल के ऊपर मतलब रीढ़ निकाल दिया। डिजाइन है कुल मिला के, ऊपर देखो इसको आप मान सकते हो थोड़ा डार्क साइड में मूर्ति है, विकराल रूप है ना इसीलिए। तो भाई साहब ये अपना जो लोकेशन है, छठवें सातवें आठवें जो भी आप लोग काउंट करें, मैं काउंट नहीं किया हूँ, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ, अभी पहुँचा हूँ दिशा मूर्ति कला में। और यहाँ देखो भाई साहब, आप लोग को मूर्ति निकालने का जो प्रोसेस है ना वही दिखाता हूँ। देखो पूरा बाहर क्रेन है और लोगों की संख्या देखो भाई साहब, तो भाई कितना डिफिकल्ट होता है मूर्ति को बाहर निकालना। तो ये है गाइज पूरा अंदर का व्यू दिशा मूर्ति आर्ट का, और यहाँ भी दिखाऊँ तो 8 फीट 10 फीट 11 फीट 12 फीट यहाँ तो ज़्यादातर मूर्तियाँ हाइटेड हाइटेड बनाया गया है। देख रहे हो इसका नई भी हाइट होगा तो कम से कम 12 फीट का राउंड में होगा। ये सभी मूर्तियाँ ऑलरेडी पहले से ही बुकड है। तो ये देखो भाई साहब, अपने रायपुर शहर का ही है, कोटा का ही है, 15 फीट का मूर्ति। यहाँ देखो ये भी अपना 15 फीट के राउंड में ही होगा ये भी। तो जितना बड़ा बड़ा मूर्ति है ना दिशा मूर्ति आर्ट में आप लोगों को दिखाऊँ तो मैक्सिमम सभी मूर्ति बड़े बड़े हैं, छोटे मूर्ति बहुत कम देखने को मिला। ये भी हाइट दिखाऊँ तो ये भी 15 फीट का राउंड यार, मेरी जो हाइट होगी 5 फीट की वो यहाँ तक आएगा राइट, 5 फीट कुछ इंच। और ये देखो भाई साहब, इसके 3 गुना ज़्यादा बड़ा तो मूर्ति है। और ये मूर्ति देखो, पीछे पूरा नाग भगवान और सामने विराजमान है गणेश जी, जबरदस्त हाइट का है यार। ये जो आप साइड देख रहे हो दिशा मूर्ति आर्ट का सेकेंड वाला लाइन है, सेकेंड वाला लाइन में देखोगे तो बहुत सारे मूर्ति लाइन से लगे हुए, हाइट वही आपका 6 फीट 7 फीट 8 फीट होगा। जो तो यूनिक दिख रहा है ना उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि ये मूर्ति काफ़ी यूनिक है, इसमें जो पूरा फेस बनाया गया है गणेश जी का फेस का, सिर्फ गणेश जी का एक सूंड वाला पार्ट लगाया गया है, बाकी जो फेस है पूरा शेर का लगा दिया गया है, तो ये काफ़ी यूनिक है। ये देखो डेंजर तरीके से भी दिख रहा है। और यहाँ आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो मतलब लाइन से पूरा का पूरा मूर्ति रखा हुआ, इधर थोड़ा छोटा मूर्ति है, बाजू वाली लाइन में आप लोगों को दिखाया था बड़ा बड़ा मूर्ति था। तो ये है माना का मेरे ब्लॉग का लास्ट अपना शॉप मूर्ति का रखें, जो कि श्रुति मूर्ति किला के। अब जाते जाते सोचा कि यार एक मूर्ति का रखें तो कैसे छोड़ सकता हूँ, इनका ब्लॉग में पहले ही बनाया था, हेलो तो सोचा कि आज भी आते हैं और आपको श्रुति मूर्ति का रखें में क्या चल रहा है। ये देखो भाई साहब, बहुत सारे लोग फिलहाल अभी आए अपने मूर्ति को लेके जाने के लिए, और आपको दिखाऊंगा मैं अंदर का सीन। जब आया था तो पेंट नहीं हुआ था, पेंट हो रहा था, अभी दिखाऊँ तो काम चल ही रहा है। 15 फीट का है भाई साहब, वहाँ तक इसका हाइट है, नीचे से वहाँ देखोगे ना जबरदस्त। और इसको ले जाने के लिए क्रेन व्रेन आएगा, थोड़ा सा आप लोग अंदर भी लेकर आके दिखाता हूँ। यही है कि आज यहाँ सूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मशीन भी चल रहा है, प्लस जितने भी कस्टमर आए हुए ना वो यहाँ पहुँच गए हैं, तो भीड़ लग गया है दुकान में काइंड ऑफ। तो जितना बन रहे चलते वहाँ तक आप लोग को चल के और दिखा रहा हूँ। ये है इनका सेकंड वाला गली, और सेकंड वाला गली में भी देखोगे तो यहाँ भी चारों तरफ को मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मुझे काफ़ी प्यारा दिखने को मिला था, कलर भी शाइनिंग वाला है, ये शाइनिंग कलर इस बार मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे मूर्ति में मैं देख रहा हूँ। सो गाइज फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ माना के उस जगह में जहाँ दुर्गा मूर्ति बहुत भव्य तौर पर रखा जाता है, पंडाल भी भव्य तौर पर बनाया जाता है। पीछे जो पंडाल देख रहे हो ना ये गणेश मूर्ति के लिए है, और ये जो बन रहा है ना ये दुर्गा मूर्ति के लिए, इसमें टाइम लगेगा। तो व्लॉग को एंड करने के लिए इससे बड़ी जगह मुझे नहीं मिल रहा था, यहाँ शांति भी है और आपस से लोगों से बातें भी कर लूँगा। देखो अपने तरीके से जितना भी माना है मूर्ति कला केंद्र ना, सबको लगभग अच्छे तरीके से दिखा चुका हूँ, जिसमें कि दीप मूर्ति कला को नहीं दिखाया, वहाँ गया था भीड़ बहुत था तो इसलिए उसको कवर नहीं किया। बाकी जितने भी दुकान है मूर्ति कला, चाहे वो अरविंद घोष का हो, ओम जय का हो, श्रुति मूर्ति कला केंद्र, सबको लगभग अपने तरीके से शॉर्ट वीडियो रखा और दिखा दूँ। फिर भी मुझे पता है वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो ही गया है, आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिए होंगे, मेरे को पता है आप लोग बहुत होशियार हो। तो चलो व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो यार आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगता है। सुबह से निकला हूँ फटाफट, इतना सूट किया गोपरा का बैटरी भी खत्म हो गया है, चलो कोई नहीं मेहनत आज कर रहा हूँ तो इसका फल कल मिलेगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा बात अपने दिल की बात आप लोगों के साथ रखता हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहो। काफ़ी लोगों सुन रहे हो कि यूट्यूब पे आ रहा है लेकिन उनका वीडियो नहीं चल पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, दोस्त मेहनत करो राइट। चलो इसके ऊपर अलग से कभी बात कर लेंगे, फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदा, और आप लोग एक लाइक करके और सब्सक्राइब करके तो जाइएगा। चलिए बाय।